करता है में जो जक़ात निकाली जाती है निकाली जाती तो उसके किट्स बना के लोगों को खाने पीने में देना ज्यादा बेहतर है या फिर उसको कैश अमाउंट में देना चाहिए तो देखिए होना यह चाहिए कि जक़ात को उसकी असली शक्ल में दिया जाए और वो है माल की जक़ात माल से निकाली जाए जो माल की जक़ात निकाले उसी माल से जो जींस की जक़त नहीं उसी जींस से निकालें मिसाल अनाज की ज़क़त अनाज से निकालिए गोल्ड की ज़क़त गोल्ड से निकालिए सिल्वर की ज़कत सिल्वर से निकालिए और इसी तरह जानवरों की ज़क़त जानवरों से निकालिए कि भाई सौ जानवर है तो इतने जानवर देना है तो ऐसा सौ रुपये है तो इतने देना है तो रुपया सोना है तो सोना चांदी है तो चांदी या फिर गल्ला है तो गल्ले में से सबकी ज़क़त है तो इस तरह से इसको करना चाहिए इसका रूल है अंदर लेकिन हमारे पास अब एक मुतबाद चीज़ है और मुतबाद चीज़ के हमारे पास अब कैश जैसे मिसाल के तौर पर किसी का अनाज निकला उसे जगह तो अनाज में देना चाहिए लेकिन बोलते हैं अनाज कौन लेंगे अभी यहाँ तो वो क्या अगर आप बेच दे रहे हैं अनाज को फिर कैश दे रहा है और कैश को दे दे रहा है अब गोल्ड है गोल्ड की जगह गोल्ड से निकालेंगे तो अब कैसा ढाई ग्राम करेंगे सब सौ सो तोले सोना है अब ढाई ग्राम बोले तो उसमें ना एक चूड़ी बैठी ढाई ग्राम मतलब जो भी हो रहा है उसका ढाई परसेंट ना एक बाली बराबर आ रही तब तोड़ के डालना ठीक नहीं तो वो क्या करें उसके बदले कितना हो रहा भाई सौ तोले का ढाई तोलेाई तोले कितनी कॉस्ट हो रही अगर प्योर है तो सिक्सटी थाउजेंड के करीब चला गया अगर नाइन वन सिक्स जिसको ट्वेंटी टू कैरट्स बोलते हैं अगर वो रहा तो तकरीबन वो भी फिफ्टी थाउज़ैंड के करीब चला गया फिफ्टी फिफ्टी टू थाउज़ेंड तो बहरहाल वो क्या करते फिर ढाई तोले का मतलब ये कि बावन बावन हज़ार और बावन हज़ार का आधा छब्बीस हज़ार ऐसा मिलाकर जक़ात दे दे रहे तभी हमारे पास एक मुतबादिल चीज़ तो बेस्ट तो ये जिसकी चीज़ उसमें से दे अब रमज़ान में आप जो जक़ात निकाल रहे किसकी निकाल रहे वो अब सवाल है माल की निकाल दें तो माल से दे कैश की कैश से दे सोने की सोने से दे या फिर मुतवादिल कैश है हमारे पास लेकिन सवाल ये क्या अनाज में दें तो मैं कहूँगा अनाज में देना प्रेफरेबल नहीं है हालांकि ज़रूरत पड़ने पर दिया जा सकता है उससे मना भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन प्रेफरेबल नहीं है तो वो क्या चाहिए आप समझो आपके पास सोना है चांदी है बेचने का माल का सामान है स्टॉक सही है वो फलाएँ फ़लाएँ फ़लाएँ वो सब मिला के सौ रुपये आपके पास इतना है जिसकी ज़क़त निकलती है अब सौ रुपये की जक़ात आप निकालें ढाई रुपये तो आप क्या करें सबकी जक़त जो है क्या करें ज़मीन जायदाद ये वो फला एफ डी स्टॉक ये बॉन्ड शेयर ये सब सब सबका मिला के जो ढाई रुपये निकाल रहे आप कैश में निकाल दे रहे हैं फिर ये आप कैश उस शख्स को दे दें अब वो कैश में से जो चाहे वो अनाज ले अपने लिए कपड़ा ले अपने लिए कुछ भी करे जो भी करना चाहता है बहरा तो आप ऐसा करके या और ज़रूरतें होती हैं इंसान की उधार चुका दे अपना ये कर ले वो कर ले वो ज़्यादा बेहतर है लेकिन उर्मा ने इसकी इजाज़त भी दी जैसे सवाल हुआ कि मिसाल के तौर पर एक आधे एक इलाका है जहाँ अगर हम लोगों को खाने की ज़रूरत है और उस इलाके में हम जक़त से पैसा दे रहे हैं लेकिन अगर उनको हम जक़त का पैसा देंगे और वो पैसा वहाँ जाएगा फिर वो वहाँ जाकर अनाज ख़रीदेंगे और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे तो वह अनाज उनको तीन पट चार पट महंगा पड़ रहा है लेकिन जिस मुल्क से हम हैं उस मुल्क में अगर हम उस जक़त को जमा करेंगे उससे अनाज परचेस करेंगे फिर वो अनाज भेज देंगे तो जहाँ वो अनाज एक रुपये में एक किलो आ रहा है हमारे पास वो अनाज एक रुपये में तीन किलो चार किलो पाँच किलो आ रहा है विद ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मतलब वहाँ पहुँचने तक तो क्या करें तो लिखा फिर आप क्या करें शक्ल करे? में जक़ात दे कैश में ना दे शक्ल मतलब अब अनाज खरीद के दे दे कपड़े की शक्ल में दे दें जैसा ग़रीब आदमी है उसको कपड़ा देना चाह रहे अब मैं जाऊँगा यहाँ से किसी इलाके में वहाँ जाके कपड़ा उस गाँव में खरीद के उसको देना चाहूँगा या वो वहाँ से लेंगा पता चल रहा है कि वहाँ वो एक कपड़ा एक रुपये में आ रहा है जबकि मैं जिस इलाके से जाके जक़ात दे रहा हूँ खरीद के भी ले जाऊँ तो एक रुपये में चार आ जाते हैं फिर उलमा कह रहे हैं कि आप कपड़े खरीद के लेके चल जाए फिर दे दें इसलिए कि उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा उस जक़ात में तो शक्ल में देना मना नहीं है मतलब किसी फॉर्म में पर प्रेफरेबल है आप उसको ऐसा दें जो लोग जैसा मिसाल के तौर पर मेरे ही शहर में लोग जकवात दे रहे हैं तो किट्स ना दें फिर आप क्या ज़्यादा बेहतर होगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो मना है हराम है वैसा फ़र्स्ट प्रिफ्रेंस ये है कि जिसकी जक़ात उसमें दे हमारे पास एक्सचेंज में पैसा आ चुका है लिहाजा मैं फर्स्ट कहूँगा पैसों में दे हाँ आप अनाज की ही निकाल रहे तो फिर अनाज में दे गोल्ड की ही निकाल रहे गोल्ड में दे गोल्ड में दे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक गोल्ड लेके डायग्राम या जो भी आपका जक़ा गोल रहा उतना तो एक आदमी को नहीं देंगे चूंकि जाहिर सी बात है वो गोल्ड ना इस्तेमाल कर सकता है और गोल्ड एक ऑर्नामेंट की शक्ल में पहनेंगा तो लोग उसको देने वाले जक़ात भी नहीं देंगे बोलेंगे इसका सोना है तो आप बेच के ही देंगे तो कैश में दे दें ज़्यादा प्रेफरेबल है लेकिन नीड और हालात के एतबार से आप शक्ल में भी दे सकते हैं लेकिन कुछ लोगों ने एक एक मशगला बना दिया और एक खेल तमाशा ही बना दिया वो क्या करते मानो आपको रमज़ान आता है जाते हैं दुकान पर पाँच सौ साड़ियाँ ख़रीद लो दो डेढ़ सौ रुपये की एक साड़ी मतलब वो ऐसा नाखिस कपड़ा कि उसे पोचा लगा भी तो बराबर लगता नहीं और डेढ़ डेढ़ सौ रुपये की पाँच सौ साड़ियाँ लाते हैं फिर ऐलान हो जाता है सेठ साहब कल जक़ात देने वाले साड़ियों की शक्ल में और पचासों फ़कीर आ जाते घर के सामने रोम रोमराठ पूरा महल्ले में तमाशा खड़ा हुआ इतने फ़कीर जमा होंगे और फिर उनको दे रहे हैं ऑलरेडी वो डिज़र्व नहीं करते हैं बेकारी और मांगने वाले हैं मस्किन नहीं है और उनको आप डेढ़ डेढ़ सौ रुपये की साड़ियाँ देते हैं वो लड़ाई झगड़ा वो तमाशा कि कहीं कहीं जगह जक़ात लेने के चक्कर में स्टम्प जैसे लोग दब गए कुछ ले गए साउथ इंडिया के कुछ वाक़ा अखबारों में पढ़ा था ऐसा हुआ नहीं होना चाहिए ऐसा ये तो कोई तरीक़ा ही नहीं है क्या आप बोले चलो मेरी जक़ात दा गल दिन है आ जाओ जक़ात लेने के लिए अनाज ला ली और बस एक एक मग्गा भर रहे चल लो निकलो एक एक मग्गा भर रहे चल लो निकलो ये नहीं होना चाहिए उसकी ज़रूरत को देखें उसके हालात को देखें कितनी नीड और डिमांड है देखें कितना पूरा कर सकते देखें और कुछ लोगों का मुकम्मल मसला हल करने की अपनी जक़ात से हम कोशिश करें जक़त को तोड़ तोड़ के देना सही नहीं होगा कुछ जगह ये भी आ गया मैंने ट्रेंड देखा कि जकवात कैसे देते मालूम आपको उस जमाने में तो ऐसे ही करते थे अब क्या करते मुझे नहीं मालूम पाँच रुपये के सिक्कों में जकवात देते हैं पूरा शहर का मामला अजीब है मतलब क्या करते हैं वो जब जक़ात देने की बारी एक लाख की जक़त देना तो एक लाख रुपये के पाँच रुपये के सिक्के खरीदते हैं लाते हैं और थैलों पर भर के रखते हैं फिर दुकानों पर लोग आते और ऐसा मुट्ठी डालते बोले एक हाथ से दिए दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना ना अब बोले कितने क्या मालूम किसको तो ये वाला ऐसा लेके चल फिर लिए अच्छा निकलो किसी को दो दे रहे हैं किसी को एक दे रहे चलने को बोले ऐसी जक़त देना अपने को भी नहीं मालूम होना कितना दे रहे तो पाँच पाँच रुपये के सिक्कों में जक्कात दे रही यार एक मुट्ठी में कितने सिक्के आएंगे आपके सौ डेढ़ सौ भी आ गए तो पाँच साढ़े पाँच सौ रुपया साढ़े सात सौ हजार रुपये बन रहे हो ये तो तमाशा है जक़ात का ऐसी थोड़ी जक़त निकाली जाती एक आदमी को देखिए दो आदमी को देखे चार आदमी को देखिए उसकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करें सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में तलाश करें फिर उसके अतराफ में अपने आस पड़ोस के अंदर अपने शहर में अपने मोहल्ले में उसके बाद करें वो सब सिस्टम ही नहीं तो बहरहाल अगर आप चार लोगों को इतनी जक़त देते हैं कि उनको खड़े कर देते हैं कि कल वो जक़त की फहरिस्त में ना हो और अगले साल फिर से रिपीटिव बनाए तो कितनी खुशी की बात होंगी ना करना चाहिए तो बहरहाल शक्ल में आप दे सकते हैं अनाज वगैरह आपको देना है तो बट मैं प्रीफर करूँगा कैश दें कैश ना होने की शक्ल में या कैश से बेनिफिट उतना ना होने की शक्ल में जो उनकी नीड है वो भी आप पूरा कर सकते हो कह जक़ात के तो मुस्त है लेकिन हमारे पास अनाज मिलता भी नहीं है भाई आप भेज दो तो आप बोलेंगे ठीक है मैं ख़रीद के भेज देता हूँ तो जक़त नहीं दी आपने उनको आपको एक हज़ार जक़ात देना है या सौ रुपये जकवात देना है सौ का अनाज खरीदा और ट्रांसपोर्ट कर दिया उसका ये भी किया जा सकता है बट प्रेफरेबल है कैश दे ताकि वो अपनी ज़रूरतों को अपने हिसाब से जब चाहे ख़त्म करे चूँकि अनाज आपने दे दिया एक क्विंटल अब आठ महीने जाएंगा उसको